चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो एक स्लोगन से शुरू करते हैं। हमें भी काम करना है और औरों को भी काम करने के लिए देना है। हमें भी खुशी रहना है और औरों को भी खुशी रखने का प्रयास करना है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग बहुत ही मज़ेदार है। आप सुन देख रहे हैं, यूट्यूब में एक कंट्रोवर्सी चल रहा है। विजय रिया ब्लॉग्स एक यूट्यूब में चैनल है, इसके बारे में कंट्रोवर्सी चल रहा है। इसके बारे में मैं आप लोगों को बहुत बहुत एक दमदार बात बताने जा रहा हूँ। और जो है, आप जानना चाहते हैं क्या कंट्रोवर्सी में हो रहा है और दमदार बात मैं क्या बताने जा रहा हूँ, तो इस वीडियो को स्किप करना मत, बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। मेरा दूसरा वीडियो आप देखिए नहीं देखिए, लेकिन इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट और शेयर कर दीजिए, कमेंट कीजिए। और जो है, इस चैनल में आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को दबा करके सब्सक्राइब करेंगे और बेल बटन दबाएंगे। चलिए आज का विषय वस्तु शुरू करते हैं। तो मैं कह रहा था दोस्तों, वास्तव में जो YouTube फील्ड है, YouTube जो प्लेटफॉर्म है, सबके लिए ओपन है और इसके लिए कोई एकेडमिक क्वालिफिकेशन का आवश्यकता नहीं है। कोई भी YouTube में चैनल क्रिएट कर सकते हैं और वीडियो बना सकते हैं, यदि हमारे पास वीडियो क्रिएट करने का स्किल है तो। तो अब चलते हैं कंट्रोवर्सी के बारे में जो हो रहा है YouTube में अभी। तो मैंने जो है विजय रिया ब्लॉग्स चैनल जो है, मैंने वो चैनल का वीडियो देख के बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ। मुझे बहुत जो है अच्छा लगता है विजय रिया ब्लॉग्स का वीडियो। और जो है, बीच में मैं वीडियो देख रहा था तो एक बात मैंने देखी, वीडियो बनाए हुए थे विजय भाई ने और रिया सिस्टर ने, तो मैं उस बात के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। सबसे पहले इस कंट्रोवर्सी क्या है, जो सारा जो बात मैं बताने जा रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं चलता हूँ इस वीडियो के बारे में, चैनल के बारे में, जो विजय रिया ब्लॉग्स है इस चैनल के बारे में मैं कुछ बताने के लिए जा रहा हूँ। सबसे पहले ग्लास लगा लेते हैं और चलते हैं मैं अपने मोबाइल की तरफ में। तो दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं, चैनल का नाम है विजय रिया ब्लॉग्स, आप भी सर्च कर सकते हैं। विजय रिया ब्लॉग्स चैनल है, इसका जो है लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हूं, आप जाकर के वो चैनल को चेक कर सकते हैं। बहुत अच्छा वीडियो बनाते हैं वो लोग, रियलिटी प्रस्तुत करते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे भी। तो सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ, इस चैनल जो है विजय रिया ब्लॉग्स, जो सन 2022 15 जनवरी के दिन में क्रिएट किया गया है, ओके। और व्यूज़ कितना अच्छा है आप स्क्रीन में देख सकते हैं, इतना ही दिन में, लगभग 5 महीना हुआ होगा ना चैनल का, 5-6 महीना हुआ होगा, इसी भीतर में व्यूज़ बहुत अच्छा है। और उसके बाद जो है, इससे पहले भी वो एक चैनल बनाए हुए थे, जब घर में थे तो पूरा परिवार के साथ में वीडियो बनाते थे उस चैनल में, लेकिन गांव में लफड़ा हो गया, समस्या आ गया, तो किसी कारणवश से उस वीडियो को डिलीट करना पड़ा। कितना दुख होता है दोस्तों, जब हम चैनल बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं इतना मेहनत करके और व्यूज आता है भर भर के, और उस चैनल को डिलीट करना, तो कितना दुख होगा। वो तो विजय रिया ब्लॉग्स भाई को ही मालूम चलेगा और हमको भी आप महसूस कर सकते हैं, ओके। तो चैनल डिलीट किए और नहीं किए, शायद डिलीट कर दिए हैं, मैंने वीडियो में सुना था, तो कोई बात नहीं है। और जो नया चैनल क्रिएट अभी किए हैं विजय रिया ब्लॉग्स, वो जो चैनल अभी चल रहा है, मोनेटाइज भी हो गया है और अच्छा खासा इसमें इनकम भी होते जा रहा है, ओके। तो व्यूज बहुत अच्छा आता है इस चैनल में, वीडियोज़ में, ओके। उसके बाद जो है, सबसे पहले ये कंट्रोवर्सी में जो है, विजय भाई ने एक वीडियो अपलोड किए हुए थे कमेंट पोस्ट में कि आज के बाद वीडियो नहीं बना पाएंगे, मुझे बहुत दुख हुआ, प्लीज़ हेल्प मी। और नीचे में एक लगा हुआ है लव मैरिज कपल। तो जब मैंने ये वीडियो देखा तो मुझे बहुत दुख लगा। इस वीडियो में क्या था, तो बाहर से लोग आते हैं भेटने के लिए, मिलने के लिए, लेकिन जो है इतना लोग आते हैं मिलने के लिए, जो विजय भाई के पास जो है समय नहीं होता है, समय नहीं दे पाते हैं। और यदि दिन भर जो है इंटरव्यू करेंगे, दूसरे को मिलेंगे, गफ सब करेंगे, तो वीडियो कब बनाएंगे, रेस्ट कब करेंगे, अपना काम कब करेंगे, बहुत समस्या हो गया था विजय भाई के साथ में, बहुत बहुत समस्या हो गया था। तो आज के बाद वीडियो नहीं बनाएंगे कह के विजय भाई ने एक वीडियो अपलोड किए हुए थे, मैंने देखा वो चैनल में वीडियो। उसके बाद जो है फिर कम्युनिटी टैब में एक पोस्ट किए थे, हमने किसी का क्या बिगाड़ा, हमें क्यों नहीं जीने देते हो, प्लीज़ मेरे परिवार को बचा लो। ये कम्युनिटी टैब में जो है वीडियो का जो थंबनेल अपलोड किया गया था। तो उसके बाद हमको बहुत दुख हुआ, ये वीडियो देखकर, देख रहे हैं आज के बाद वीडियो नहीं बनाएंगे, प्लीज़ हेल्प मी। ये वीडियो बनाए हुए थे, मैंने वीडियो वॉच किया था और सब बात बता रहे हैं आपको हम। उसके बाद जो है मैंने विजय रिया ब्लॉग्स चैनल जो सर्च किए हैं, तो देख रहे हैं लेटेस्ट वीडियो इसका, हमने किसी का क्या बिगाड़ा, क्यों हमें नहीं जीने देते हो,
साइन ऑफ क्वेश्चन है वहाँ पर, प्लीज़ मेरे परिवार को बचा लो कह के वीडियो बनाए हैं, देखे हैं, बहुत दुख हुआ। इनोसेंट बॉय की तरह रोते हैं विजय भाई, मुझे कितना दुख हुआ। और मैं ने सोचा था कभी नहीं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन जो है ये वीडियो देख करके मुझे बाध्यतावश वीडियो बनाना पड़ा। विजय भाई को सपोर्ट करना चाहिए यार, ऐसा क्रिएटर तो होना चाहिए यूट्यूब परिवार में, तो मैंने वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। और अच्छा क्या है बुरा क्या है, अपना विचार जो है विजय भाई के बारे में, हमारे बारे में जो है कमेंट में लिखना मत छोड़िएगा। और इस चैनल में जो है वीडियो अभी तक 143 और 144 के आसपास में है, आप देख सकते हैं। तो चलते हैं अब जो है बात करते हैं दोस्तों। तो पहला वीडियो मैंने देखा था, जो आज के बाद हम लोग वीडियो नहीं बनाएंगे, तो ये देख करके हमें बहुत दुख लगा। और मैंने कमेंट भी किया है उस वीडियो में, नहीं विजय भाई हिम्मत नहीं हारना है, कोई आपके बारे में जो है कोई क्रिटिसाइज़ कर रहा है, पीछे लग गया है, आपको दबा रहा है, आपको दुख तकलीफ दे रहा है, तो कोई बात नहीं, सबको भूल जाइए और अच्छे तरह से इसको सुलझाइए और आगे बढ़िए कह के मैंने भी कमेंट किया था उस वीडियो में, तो मुझे दुख हुआ। लेकिन विजय भाई यदि ये वीडियो देख रहे हैं तो कोई बात नहीं है, हम लोग को जो है टाइम टाइम पर समस्या आता है, तो समस्या को जो है समस्या से जो पीछे नहीं भागना है, समस्या से जूझना है, जूझकर उसको जीतना है और अपने बस में करना है और आगे निकल जाना है, ये जो है करना है हमें। तो उस वीडियो देख करके मैंने कमेंट किया था, वीडियो चैनल नहीं छोड़िए, वीडियो बनाना नहीं रोकिए, वीडियो बनाइए। ओके, उसके बाद फिर आया हमें बचा लीजिए, हमें हमारे परिवार को बचा लीजिए, आपका हमने क्या बिगाड़ा है। तो ये वीडियो देख करके मेरा आँखों में आंसू आ गया, क्योंकि विजय भाई फूट फूट कर रो रहे थे, अपने दर्द जो है अपने कष्ट को निकाल रहे थे। दोस्तों आप सोचिए विजय भाई की जगह में आप होते तो क्या करते, आप भी रोते ना, बहुत ज़्यादा रोते ना, तो मुझे भी बहुत दुख हुआ, कष्ट हुआ। तो दोस्तों सब जितने भी हम YouTube परिवार के लोग हैं, सपोर्ट करेंगे हम विजय रिया ब्लॉग्स चैनल को, और इसी तरह से उसको जो है हम लोग किछ जो हेल्प करेंगे और सपोर्ट करेंगे। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, अब आइए पॉइंट पर, कंट्रोवर्सी जो हो रहा है, तो बहुत लोग जो है जाते हैं विजय भाई से मिलने के लिए, अपने चैनल को प्रमोट कराने के लिए जाते हैं कि ठीक है आइए हमारे इंटरव्यू में बैठ दीजिए, गपशप कीजिए, ये बात हो रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा भाई लोग जो जाते हैं विजय भाई के पास में इंटरव्यू लेने के लिए और चैनल अपना प्रमोट कराने के लिए, लेकिन इतना लोग आते हैं कि विजय भाई को समय नहीं होता है कि दिन में किसका टाइम दे किसका नहीं टाइम दे। तो विजय भाई ने साफ कह दिए हैं कि अब किसी से मिलना नहीं है, किसी को टाइम नहीं देंगे, प्लीज़ 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 मेरे घर कोई नहीं आइए, मुझे ये समस्या है। और बहुत लफड़ा भी हो गया था, बहुत बात आप वीडियो में सुन चुके हैं, मैं ज़्यादा बात को खोतलना नहीं चाहता हूँ, खन्ना नहीं चाहता हूँ, बहुत ऐसा बात है जो आप सुन चुके हैं, तो मैं मेन पॉइंट पर आता हूँ। तो दोस्तों जो साथी भाई चाहते हैं ठीक है कि विजय ब्लॉग विजय या ब्लॉग्स में जाकर के जो है मैं वीडियो बनाऊंगा, वो हमारे वीडियो में आएंगे, इंटरव्यू होगा, मेरा चैनल प्रमोट होगा, तो ये कर रहे हैं तो आप क्षणिक टाइम के लिए कर रहे हैं। क्या आपका चैनल का वेट बढ़ेगा, क्या आपका चैनल ब्रांड बन पाएगा यदि आप ऐसे करते हैं? कोई भी आप चैनल बनाइए तो अपने दम पर बनाइए यार, अपने स्किल पर बनाइए, आप दमदार बनिए, आप दमदार कंटेंट देंगे ना दोस्तों तो सब्सक्राइबर भी आ जाएंगे, और वीडियो में 2 लाख 3 लाख 4 लाख व्यूज़ नहीं, मिलियन मिलियन व्यूज़ आएगा। लेकिन आपको करना क्या है, आपको कंटेंट को ज़्यादा मज़ेदार बनाना है, ज़्यादा दमदार बनाना है। तो जितने भी भाइयों हैं जो विजय रिया ब्लॉग्स जो विजय भाई के पास में जाते हैं अपना चैनल प्रमोट कराने के लिए और कहते हैं नहीं भाई मेरा वीडियो में आ जाइए, आप टाइम दीजिए कह के, तो विजय भाई के पास तो टाइम नहीं है, तो प्लीज़ उसको मैं भी आपके पास से अनुरोध कर रहा हूँ, आपको अनुरोध कर रहा हूँ कि विजय भाई को तंग मत कीजिए, उसको जीने दीजिए, फ्रीडम लाइफ यार, सबके पास फ्रीडम है, फ्रीडम से जीने दीजिए विजय भाई को, रिया सिस्टर को जीने दीजिए। और जो चांदनी एक बेटी है, मेरे पास भी बेटी है यार, मैं भी अपनी बेटी को बहुत प्यार करता हूँ, और विजय भाई के भी एक बेटी है तो बहुत प्यारा प्यारा बेटी है, बहुत प्यारा क्यूट है। तो मैं कहना चाहता हूँ भाई लोगों, अपने दम पर चैनल खड़ा कीजिए, अपने दम पर, अपने कला पर, अपने स्किल पर, अपने कंटेंट पर कोई बनाइए। यदि किसी के आप सपोर्ट लेते हैं, किसी के पास में जाते हैं चैनल प्रमोट कराते हैं, तो जब तक प्रमोट कराए हैं तब तक ही आपका चैनल आगे बढ़ेगा और रुक जाएगा। और विजय भाई ने भी यही बोल रहे हैं, तो प्लीज़ मत आइए मेरे पास, अपने कंटेंट को अच्छा बनाइए और काम कीजिए, मेहनत कीजिए, तो चैनल अच्छा ही होगा। मैं आपका वीडियो में आऊँगा, इंटरव्यू लूँगा, आपका चैनल मैं प्रमोट करूँगा, तभी आपका चैनल अच्छा होगा, वो बात नहीं है। तो अपने दम से अपने लगा
लगाव से, अपने मेहनत से चैनल को आगाड़ी बढ़ाइए। विजय भाई भी यही कहते हैं और मैं विजय भाई के जो बातों में बहुत सहमत हूँ और मैं भी यही चाहता हूँ। तो दोस्तों मैं भी आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, कोई भी चैनल बनाइए, अपने चैनल को ब्रांड बनाइए, अपने चैनल को पॉपुलर बनाइए, फेमस बनाइए, यूट्यूब में दमदार बनाइए, अपने कंटेंट के बल में अच्छा कंटेंट दीजिए, अच्छा अच्छा वीडियो बनाइए और जो है अपने कला को प्रस्तुत कीजिए दोस्तों। और इस तरह से करेंगे तो आपको जो है बहुत लोग जानेंगे, पहचानेंगे और किसी का भी सपोर्ट नहीं लीजिएगा तो फ्यूचर में आपका चैनल जो है बहुत आगे रॉकेट से भी ज़्यादा उड़ सकता है। तो दोस्तों मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ जितना भी भाई लोग हैं आप विजय भाई को परेशान करते हैं, जा जा करके परेशान करना छोड़ दीजिए, उसको तकलीफ़ देना छोड़ दीजिए। फुट फुट कर रो रहे हैं विजय भाई अपने दिल से, तो ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, स्टॉप कीजिए, इस कंट्रोवर्सी इंड हो जाए, स्टॉप हो जाए। मैं ये चाहता हूँ कोई भी जो है लफड़ा नहीं रहे इस कंट्रोवर्सी में, विजय भाई सही सलामत रहे, वीडियो बनाए। मैं भी व्यूअर हूँ विजय भाई का, विजय रिया ब्लॉग्स चैनल का मैं भी व्यूअर हूँ, देखता हूँ, मैं भी सब्सक्राइबर हूँ, वीडियो देखता हूँ, मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है, बहुत सीख मुझे मिलता है। जो है हम लोग फैमिली में रहते हैं, फैमिली में कैसे रहना चाहिए और फैमिली में रह के हम लोग क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, संपूर्ण बात जो है मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो मैं दोस्तों से निवेदन करता हूँ मैं भी कि विजय भाई को स्वतंत्र छोड़ दीजिए, उसका विजय भाई का जो घर है, देखे हैं वीडियो में कि एकांत जगह में है तो वहाँ पर आप जाएंगे तो समस्या हो सकता है। विजय भाई को स्वतंत्र छोड़ दीजिए, शांत से रहने दीजिए और मज़े से रहने दीजिए, प्लीज़ 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 माफ़ कर दीजिएगा। और दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप क्या सोचते हैं, आपका विचार जो है कमेंट में लिखिएगा। विजय रिया ब्लॉग्स विजय भाई के बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहते हैं, आप भी अपने तरफ से सपोर्ट कीजिए, हेल्प कीजिए तो कमेंट कीजिएगा और इस चैनल के बारे में भी कमेंट आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट तो कीजिए ही। और आप इस चैनल में नए हैं दोस्तों, पहली बार देख रहे हैं इस चैनल को, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ओके। तो दोस्तों ऐसे ही जो है मैं माफ़ी चाहता हूँ इस कंट्रोवर्सी वीडियो में, मैं कोई भी गलत बोला हूँ तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और विजय भाई को भी बोलता हूँ मैं कुछ गलत बोला हूँ, और जो है और भाई को मैं बोलता हूँ गलत बोला हूँ तो मुझे भी माफ़ कर दीजिएगा, ओके। सो मैं माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर कुछ नया विषय वस्तु को साथ में। अभी मैं कहना चाहता हूँ टेक केयर, अपने स्वास्थ्य में ध्यान दीजिए और मिलके रहिए, मिलके अगाड़ी बढ़ेंगे सब लोग, ओके। संग संग खाएंगे, संग संग आगे बढ़ेंगे, संग संग इंजॉय करेंगे, ओके। सब लोग को बराबरी हक है, सब बराबर है, सब लोग हमको गले मिलके आगे बढ़ेंगे कहते हुए आज मैं इस वीडियो से विदा लेना चाहता हूँ। टेक केयर, गुड बाय।